जीएमआर में तकनीकी तौर पे किरण क्या लगता है आपको, सुबह हमें कुछ 12 रुपए 80 पैसे या 13 रुपए जैसे लेवल्स हमारे एनालिस्ट बता रहे थे, उन सबके ऊपर ये निकल गया है? मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट दो दो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हो रहे हैं प्रदीप जी। स्टॉक में हमने देखा था कि एक बॉटम बना था करीबन 8 अगस्त 2013 में, और वही बॉटम करीबन सितंबर 2015 में देखा गया, और उसके बाद हमने एक हायर बॉटम देखा पिछले 5-6 दिनों पहले, और फिर भी हम लोअर टॉप लोअर बॉटम ही करते नजर आ रहे हैं। अगर हमें हायर बॉटम मिला है तो हायर टॉप भी मिलना चाहिए, तभी हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की बात कर सकते हैं। तो मैं राह देखूंगा करीबन ये स्टॉक 15 रुपए 50 पैसे क्रॉस करने की। जिस दिन 15 रुपए 50 पैसे ये क्रॉस करेगा तब मैं कहूंगा एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होगा। उस दिन मुझे वॉल्यूम भी देखने पड़ेंगे कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है नहीं हो रहा है, डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। पर मेरे ख्याल से 15 रुपए 50 पैसे के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली ये ट्रेड करता रहेगा तो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका टारगेट करीबन 22-23 रुपए होगा। पर ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल रहेगा, तो मेरे ख्याल से और 2 रुपए राह देखने की जरूरत है। इस इन लेवल्स के ऊपर अगर जाता है तो जरूर खरीदी की राय मेरी बनती नजर आएगी।